एक आदमी जिसने अपने माँ बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा, इवन अपनी पत्नी और बेटी को मारा। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे गॉड की, जो कि आज तक अपने नाइटमेयर्स की वजह से चैन से सो नहीं पाया और अभी तक इसकी ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, जिसे खुद सिस्टम ऑफ फेथ कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसे मौत भी नहीं हरा पाई। वो है अ मैन, द लेजेंड क्रेटोस। तो चलिए हम जानते हैं कि वो एक गॉड किलर कैसे बना। सो क्रेटोस एक डेमी गॉड है, मींस आधा इंसान एंड आधा गॉड, जिसकी माँ एक ह्यूमन थी बट पिता थे ज्यूस, ग्रीक पेंथियन का किंग। क्रेटोस का एक भाई भी था डीमोस, जिसके शरीर पर जन्म से ही टैटूज थे। एक दिन ज्यूस को एक भविष्यवाणी से पता चला कि एक दिन उसका एक बेटा जिसके शरीर पर टैटूज है वो उसे मार देगा, जिससे ज्यूस अथीना एंड एरिस को डीमोस को पकड़ने के लिए भेजते हैं। क्रेटोस अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है पर एरिस उसे एक पंच मारता है और इस तरह क्रेटोस के आंख के पास बनता है ये स्कार। इसके बाद क्रेटोस अपने भाई की याद में अपने शरीर पर वैसे ही टैटूज करवा लेता है। अब बड़ा होकर क्रेटोस स्पार्टन आर्मी का सोल्जर बनता है और एक लड़की से शादी करता है, जिससे उसे एक बेटी होती है जिसका नाम कलाइपी रहता है। बट उसे किसी तरह की बीमारी रहती है और स्पार्टन्स का रूल रहता है वीक किड्स को हमेशा के लिए अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देना। पर क्रेटोस अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो एम्ब्रोसिया की तलाश में निकलता है, एक ऐसा फल जिससे हर एक बीमारी ठीक हो सकती थी। पर सभी स्पार्टन को लगता था कि ऐसा कोई भी फल नहीं होता है, पर क्रेटोस उस फल को ढूंढ निकालता है और अपनी बच्ची को ठीक करता है। अब क्रेटोस की इतनी बहादुरी को देख उसे स्पार्टन आर्मी का लीडर चुना जाता है। क्रेटोस स्पार्टन आर्मी का कप्तान बना और उसके बाद उसने अपने लोगों को एक के बाद एक जीत दिलाई, जब तक कि उसका सामना बारबेरियन किंग से नहीं हुआ। क्रेटोस ये फाइट हार गया और लगभग मरने ही वाला था, तभी उसने एरिस को आवाज लगाई, जो कि ग्रीक पेंथियन का गॉड ऑफ वॉर था, मीन्स युद्ध का देवता। क्रेटोस ने एरिस से सौदा किया कि अगर वो उसके दुश्मनों को मार देगा तो बदले में वो सारी जिंदगी उसकी गुलामी करेगा। एरिस ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और क्रेटोस को देता है एक बहुत ही डेडली वेपन, ब्लेड ऑफ केओस, जो कि क्रेटोस के हाथों से हमेशा के लिए जुड़ी जाती है। और यहीं से इन ब्लेड्स और क्रेटोस के बीच बना था एक बॉन्ड, जिसे क्रेटोस कभी चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। इसके बाद क्रेटोस ने बारबेरियन किंग को मार दिया और एरिस के कहने पर कितने ही मासूमों को भी मारा। क्रेटोस एक तरीके से एरिस की वॉर मशीन बन गया। एक दिन एरिस ने क्रेटोस को अथीना के एक विलेज पर तबाह करने का ऑर्डर दिया। क्रेटोस अथीना के विलेज पहुंचा, जहां विलेज की ओरिकल ने क्रेटोस को वार्न किया, बट क्रेटोस गुस्से की आग में पूरे गांव को जला देता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। इस गांव में एरिस ने क्रेटोस की पत्नी और बच्ची को भी रखा था, जिसका पता क्रेटोस को नहीं था, और अनजाने में वो अपनी पत्नी और बेटी को भी मार देता है। जब क्रेटोस को पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। एरिस चाहता था कि अगर क्रेटोस की कोई कमजोरी नहीं होगी तो वो एक परफेक्ट वॉरियर बन जाएगा, पर इसका उल्टा हुआ। क्रेटोस ने
एरिस को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन इससे उसने जो किया था वो बदल नहीं सकता था। विलेज की ओरिकल ने क्रेटस को श्राप दिया जिससे उसकी पत्नी और बेटी की राख उसकी स्किन से हमेशा के लिए चिपक गई और इस तरह क्रेटस का नाम पड़ा घोस्ट ऑफ स्पार्टा। अब क्रेटस ने अभी तक जो भी बुरे काम किए थे उसे उसके हर रात बुरे सपने आने लगे, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने लगभग 10 सालों तक ओलंपियन गॉड्स की पूरे दिल से सेवा की, लेकिन इसके बाद भी उसके ये बुरे सपने खत्म नहीं हुए। फिर एक दिन अथीना ने क्रेटस को एक ऑफर दिया कि अगर वो एरिस को मार देता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके बुरे सपने भी खत्म हो जाएंगे। अब क्रेटस बुरे सपनों से बस पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और फिर अथीना क्रेटस को पेंडोरा बॉक्स के बारे में बताती है जिसके अंदर एक गॉड को मारने की शक्ति थी। सून आफ्टर क्रेटस पेंडोरा बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन एरिस उस पर नजर रखे हुए था और उसे पता चलते ही वो क्रेटस को मार देता है और पेंडोरा बॉक्स को अपने पास रख लेता है। वहीं क्रेटस खुद को अंडरवर्ल्ड में पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक ग्रेव डिगर से होती है जिसकी मदद से वो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल जाता है और सीधा एरिस के पास पहुँचता है, जहाँ एरिस पेंडोरा बॉक्स के मिलने की खुशी बना ही रहा था। तभी क्रेटस अपनी पावर की मदद से पेंडोरा बॉक्स को फिर से पाता है और उसे ओपन कर उसकी पावर को ले लेता है एंड फिर दोनों के बीच फाइट होती है और क्रेटस एरिस को मार देता है। It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me that night. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. लेकिन एरिस के मरने के बाद भी उसके बुरे सपने खत्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ अथीना ने अपने वादे का सिर्फ एक हिस्सा ही पूरा किया था, जिससे क्रेटस ने एरिस के अंडर रहकर जो भी बुरे काम किए थे उसके लिए उसे बाकी के सारे ओलंपियन गॉड्स ने माफ कर दिया था। साथ ही एथीना ने क्रेटस को एक गॉड होने का खिताब दिया और क्रेटस बनता है इस तरह ग्रीक पेंथियन का न्यू गॉड ऑफ वॉर। अब न्यू पावर्स मिलने के बाद क्रेटस अपनी स्पार्टन आर्मी की मदद करने लगा और सिटीज पर कब्जा करने लगा। एथीना क्रेटस को समझाती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो ज्यूस इससे गुस्सा होगा और फिर मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगी। पर क्रेटस नहीं सुनता और एको सिटी पर अटैक करने के लिए आता है। तभी एक ईगल क्रेटस से उसकी कुछ पावर्स को ले एक बड़े से स्टेचू में डाल देती है, जिसका नाम क्लोसियस रहता है। पर ज्यूस क्रेटस को अपने ब्लेड ऑफ ओलंपस देता है ताकि वो क्लोसियस को हरा पाए, लेकिन इस ब्लेड ऑफ ओलंपस को उठाने के लिए क्रेटस को अपनी पावर्स उसमें डालनी होगी। क्रेटस ऐसा ही करता है और अपनी सारी पावर्स को ब्लेड ऑफ ओलंपस में डाल उसकी मदद से क्लोसियस को हरा देता है। पर जल्दी हमें पता चलता है कि ये सब असल में ज्यूस की चाल रहती है। ज्यूस यहाँ पर क्रेटस को फिर से एक ऑफर देता है कि अगर वो और उसकी स्पार्टन आर्मी फिर से ओलंपियन गॉड्स के लिए रॉयल रहेगी तो वो उन्हें माफ कर देगा। पर क्रेटस अब किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो ऑफर को मना कर देता है और ज्यूस उसे मार देता है, साथ ही पूरी की पूरी स्पार्टन आर्मी को भी खत्म कर देता है। You will pay for this, Zeus. Be certain of that. अब मरने के बाद फिर से क्रेटस अंडरवर्ल्ड में जाता है, जहां इस बार गाया उसे बचाती है। गाया बताती है कि उसने ही एक दिन ज्यूस को उसके पिता क्रोनोस से बचाया था और उसी ने ज्यूस को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बाद में उसने अपने टाइटन पिता क्रोनोस के साथ साथ सारे टाइटन्स को धोखा दिया और उन्हें हमेशा के लिए टार्टरस में कैद कर दिया। इसीलिए अब हम सारे टाइटन्स ज्यूस से बदला लेना चाहते हैं। गाया क्रेटस को सिस्टर ऑफ फेथ को ढूंढने को कहती है ताकि उनकी शक्तियों की मदद से वो टाइम में पीछे जा खुद को बचा सके और ज्यूस से अपना बदला ले सके, जिससे क्रेटस फिर सिस्टर ऑफ फेथ की खोज में निकलता है। अपने इस जर्नी के दौरान वो प्रोमोथियस से मिलता है, जिसे वो ज्यूस के एंडलेस टॉर्चर से आजाद करवाता है और आगे जाकर वो टाइफून एंड एटलस से भी मिलता है
एंड फाइनली वह सिस्टर ऑफ फेथ के टेम्पल तक पहुंच जाता है, जहां सिस्टर ऑफ फेथ ज्यूस के लिए वफादार रहती हैं और वो क्रेटोस की मदद के लिए इनकार कर देती हैं। साथ ही टाइम में पीछे जाकर उस टाइम को भी बदलने लगती हैं जब क्रेटोस ने एरिस को हराया था, ताकि उसी टाइम एरिस क्रेटोस को मार दे, जिससे आगे ये सब हो ही ना। पर क्रेटोस इसके बदले सिस्टर ऑफ फेथ को एक एक करके मार देता है और उनकी पावर्स को ले टाइम में पीछे जा ज्यूस से फाइट करता है, जहां वो लगभग ज्यूस को मार भी देता है। पर बीच में एथिना आ जाती है और ज्यूस वहां से भाग जाता है। एथिना यहां पर बताती है कि ज्यूस असल में उसका पिता है। बहुत समय पहले ज्यूस ने अपने पिता को हराया था और उसे टॉर्चर किया, और अब वो नहीं चाहती थी कि क्रेटोस भी ऐसा ही करे। साथ ही ज्यूस के मरने से मानव जाति भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो यहाँ का किंग है। पर क्रेटोस अपने गुस्से में इस तरह पागल था कि वो एथिना की एक भी नहीं सुनता और कहता है, If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Remember, Kratos, you have the power to control time itself. अब क्रेटोस के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स थी, तो वो टाइम में पीछे जा सभी टाइटंस को अपनी मेन टाइमलाइन में ले आता है और ज्यूस को मारने के लिए ओलंपस पर चढ़ाई करता है। पर यहाँ ज्यूस अकेला नहीं था, सभी ओलंपियन गॉड्स एक साथ होते हैं और पोसाइडन सबसे पहले क्रेटोस को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, और एक अच्छी खासी फाइट के बाद क्रेटोस पोसाइडन को बड़ी गंदी मौत मारता है, जिससे समुद्र में बाढ़ आती है। और इसके बाद गाया और क्रेटोस ज्यूस तक पहुंच जाते हैं, पर ज्यूस अपने थंडर स्ट्राइक से दोनों पर अटैक करता है, और ये थंडर स्ट्राइक इतनी पावरफुल रहती है कि इससे गाया का एक हाथ टूट जाता है और दोनों ओलंपस से नीचे गिरने लगते हैं। क्रेटोस गाया से मदद करने को कहता है, पर गाया यहाँ पर अपना असली रूप दिखाती है और बताती है कि उसने बस उसका यूज किया टार्टरस से आजाद होने के लिए, और अब उसे क्रेटोस की कोई भी जरूरत नहीं है, और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे क्रेटोस गिरते गिरते फिर से हेडिस के वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एथिना की आत्मा से होती है, जो कि क्रेटोस को बताती है कि वो ज्यूस के बारे में गलत थी। मानवता को बचाने के लिए ज्यूस को मारना होगा, और ज्यूस को मारने का एकमात्र तरीका है फ्लेम ऑफ ओलंपस, जिसने पेंडोरा बॉक्स को कवर करके रखा है, जिसकी चाबी है एक बच्ची जिसका नाम भी पेंडोरा ही है। क्रेटोस अपने रिवेंज के लिए आगे बढ़ता है, जहां हेडिस क्रेटोस को रोकने की कोशिश करता है, पर क्रेटोस हेडिस को भी मार देता है, जिससे अंडरवर्ल्ड में कैद सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। पर यह तो बस शुरुआत थी। रास्ते में क्रेटोस के सामने आते हैं पर्सियस, हीलियोस, हरक्यूलिस, हर्मीस, क्रोनोस, हेपेस्टियस और हेरा, पर सभी को क्रेटोस एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार देता है, और फिर पेंडोरा को ले फाइनली पेंडोरा बॉक्स तक पहुंच जाता है। पर इस बीच उसे पेंडोरा से थोड़ी हमदर्दी सी हो जाती है, और वो पहली बार अपने रिवेंज में किसी का बलिदान देना नहीं चाहता था। पर पेंडोरा अपनी किस्मत खुद चुनती है और पेंडोरा बॉक्स की तरफ बढ़ती है और मारी जाती है। ज्यूस भी यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता। अब इसके बाद क्रेटोस पेंडोरा बॉक्स को खोलता है, लेकिन वो खाली निकलता है, जिससे क्रेटोस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा ज्यूस के पास पहुंचता है। दोनों के बीच फाइट होती है, तभी गाया वहां पर आ दोनों को मारने की कोशिश करती है, पर इस बीच दोनों गाया के अंदर चले आते हैं, जहां क्रेटोस ज्यूस सहित गाया के दिल में ब्लेड ऑफ ओलंपस को घुसा देता है, जिससे गाया मारी जाती है। पर ज्यूस अभी भी नहीं मरता। ज्यूस अपनी स्पिरिट फॉर्म में आता है और क्रेटोस को फिर से अंडरवर्ल्ड में भेजता है, पर क्रेटोस अपनी पत्नी, बेटी और पेंडोरा की आत्मा की हेल्प से फिर से अंडरवर्ल्ड से बाहर आता है और अपने पिता ज्यूस को बड़ी बेरहमी से मार देता है, और इस तरह क्रेटोस अपना बदला पूरा करता है। पर स्टिल क्रेटोस के नाइटमेयर्स अभी भी खत्म नहीं होते। एथिना क्रेटोस को बताती है कि जब उसने पहली बार पेंडोरा बॉक्स को खोला था, तो उसमें से दो पावर्स बाहर निकली थी, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी पावर्स जिसका नाम होप था, वो क्रेटोस के अंदर चली गई,
और बुरी पावर बाकी के देवताओं में फैल गई, जिससे वो सभी बुरे कामों के लिए करप्ट हो गए। एथिना क्रेटोस से अपनी होप की पावर को वापस मांगती है ताकि वो फिर से मानवता के लिए इस दुनिया को रिबिल्ड कर सके, पर क्रेटोस को अब किसी भी गॉड पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो खुद ही अपने आप में ब्लेड ऑफ ओलंपस को घुसा लेता है। वो खुद ही होप की पावर को इंसानों के लिए डोनेट कर देता है ताकि वो खुद ही इस दुनिया को रिबिल्ड कर सके। एथिना को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अब क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है और क्रेटोस अपनी अंतिम सांसें लेता है। बट कुछ समय बाद क्रेटोस फिर से अपनी आंखें खोलता है और ये रियलाइज करता है कि वो खुद को अपने हाथों से नहीं मार सकता है और परेशान हो एक गुफा में जाकर बैठता है, जहां वो ये डिसीजन लेता है कि अब वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा और एक शांत जिंदगी जिएगा और अपने सारे हथियार वहीं पर ही ड्रॉप कर शांति की तलाश में अपनी न्यू जर्नी पर निकल पड़ता है। पर कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद क्रेटोस की नींद लगती है और जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने होता है उसका अतीत ब्लेड ऑफ केओस, जो कि उसका पीछा कर रही थी। एरिस ने जब क्रेटोस को ये ब्लेड दी थी तो उसने इन दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड बनाया था जिसे खुद क्रेटोस चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। क्रेटोस समझ जाता है कि जब भी वो आराम करता है या सोता है तब ये ब्लेड्स वापस आ जाती हैं, जिससे क्रेटोस फिर इन ब्लेड्स को फेंक कई हफ्तों तक सोता ही नहीं और उसका ये सफर उसे इजिप्ट तक ले आता है, जहां उसकी मुलाकात एक टोट नाम के गॉड से होती है जो कि उसे बताता है कि यही उसकी किस्मत है। पर क्रेटोस उसे इग्नोर कर एक गुफा में बैठता है। अब चूंकि क्रेटोस बहुत टाइम से नहीं सोया था और इतने लंबे सफर की थकान से उसकी आंख लग जाती है और जब वो आंख खोलता है तो उसके सामने होती है ब्लेड ऑफ केओस। वहीं अथीना के सपने भी उसे हॉन्ट कर रहे थे। इसके बाद क्रेटोस इजिप्ट के कुछ मॉन्स्टर को मार, जो कि किसी गांव वालों को परेशान करते थे, उन्हें उन मॉन्स्टर से आजाद कराता है और शायद यही किस्मत थी क्रेटोस के यहाँ आने की। इसके बाद क्रेटोस फिर से नाव में बैठता है और निकल पड़ता है एक और सफर पर, जहाँ उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस वुमेन से होती है जिसके साथ तीन वुल्फ रहते हैं। क्रेटोस अब नॉर्थ में पहुंच चुका था। यहाँ पर क्रेटोस उस मिस्टीरियस वुमेन से फाइट करता है जो कि फे होती है, पर दोनों फाइट करते करते थक जाते हैं, जिससे फिर वो आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं। वो देखते ही देखते 25 साल गुजर जाते हैं। दोनों मिडगार्ड में शादी कर एक घर बनाते हैं और इस बीच उनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम एट्रेस होता है। क्रेटोस ये समझ जाता है कि उसकी ब्लेड्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए वो उसे अपने घर के नीचे ही छुपा कर रखता है। यहाँ पर फे भी क्रेटोस के बारे में जानती थी और दोनों मिलकर ये फैसला लेते हैं कि वो एट्रेस से इस सच को छुपाएंगे। टाइम गुजरता है, क्रेटोस अपने घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए एट्रेस के साथ उसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहते हैं। बट एक दिन फे की डेथ अचानक से हो जाती है। डेथ की वजह एक भालू का अटैक बताया गया है। बट फे मरने से पहले क्रेटोस को अपनी लेवाइथन एक्स देती है और उससे दो विश मांगती है, पहली उसकी राख को दुनिया के सबसे ऊंची माउंटेन से फैलाने की और दूसरी उस पेड़ से उसकी चिता को जलाने की जिस पर फे ने जादू किया था, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। क्रेटोस वैसा ही करता है, उस पेड़ को काट वो फे का फ्यूनरल करता है। अब इस पेड़ के कटने से फे का जादू टूट जाता है, जिससे ओडिन को फे का पता चल बोल्डर को उसे पकड़ने भेजता है। बट उसे या किसी और को ये पता नहीं रहता कि फे मर चुकी है। वहीं क्रेटोस को लगता है कि शायद वो उसका पास्ट जानता है या फिर वो यहाँ पर एट्रेस को पकड़ने आया है, जिस वजह से क्रेटोस फिर अपने परिवार के लिए फिर से मैदान में उतरता है। फाइट के बीच क्रेटोस को पता चलता है कि बोल्डर को कुछ भी महसूस नहीं होता है, पर जैसे तैसे क्रेटोस बोल्डर को हरा एक खाई में फेंक देता है और घर आ एट्रेस को कहे कि ये घर अब सेफ नहीं है। दोनों फे की राख को फैलाने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात फ्रेया से होती है, जहाँ फ्रेया भी क्रेटोस को बताती है कि वो उसे जानती है और एट्रेस को भी सच बताने का बोलती है, पर क्रेटोस मना करता है ये कहते हुए कि ये मेरी प्रॉब्लम है। और आगे जाकर वो ब्रोक एंड सिंदरी दो बोने भाइयों से भी मिलते हैं, जो कि ये खुलासा करते हैं कि क्रेटोस के पास जो एक्स है वो उन्हीं ने बनाई थी।
जर्नी में आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात बर्ड सरपेंट से भी होती है, जो कि गेम का एक आइकॉनिक सीन था। और इसके बाद वो मिडगार्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन तक पहुंचते हैं, लेकिन एक ब्लैक स्मोक ने उनका रास्ता रोक रखा था। फ्रेया यहाँ पर क्रेटोस को बताती है कि इस ब्लैक स्मोक को सिर्फ एल्फाइम की लाइट से ही हटाया जा सकता है, जिससे क्रेटोस एंड एट्रेस एल्फाइम की लाइट ला ब्लैक स्मोक को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक ड्रैगन सिंदरी पर अटैक करते दिखता है। पर एट्रेस के कहने पर क्रेटोस ड्रैगन को मार सिंदरी को बचा लेता है, जिसके उफार में वो एट्रेस को मिसलेटो तीर देता है और दोनों मिडगार्ड की सबसे ऊंची पीक पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मिमिर से होती है। मिमिर उन्हें बताता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहां पर नहीं बल्कि योतनाइम में है, लेकिन एसियर गॉड्स और जायंटों की लड़ाई की वजह से सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, पर वो उन्हें योतनाइम तक ले जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वो खुद का सर कार्ड ओल्ड मैजिक से फिर से रिवाइव करने को बोलता है, बिकॉज उसका शरीर ओडिन ने इस ट्री में कैद कर रखा था, जिसे कोई भी वेपन तोड़ नहीं सकता था। क्रेटोस मिमिर का सल्ले फ्रेया से रिवाइव कराता है, जहां क्रेटोस को मिमिर द्वारा पता चलता है कि फ्रेया भी एक गॉड है, जिसे क्रेटोस गुस्सा हो वहां से चला जाता है और योतनाइम का गेट ओपन करने के लिए थेमोर के छेनी का टुकड़ा लेने आता है, जहाँ उसकी मुलाकात थोर के बेटे मेगनी एंड मोडी से होती है, जहाँ क्रेटोस मेगनी को मार देता है बट मोडी वहां से भाग जाता है। पर कुछ दूर बाद ही मोडी फिर से अटैक करता है और फे के बारे में भला बुरा कहता है, जो कि एट्रेस सहन नहीं कर पाता और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, बट वो उसे भी सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है, जिससे क्रेटोस को बहुत ही गुस्सा आता है और मेगनी को मार कर भगा एट्रेस को फ्रेया के पास ले जाता है, जहाँ पर फ्रेया क्रेटोस को बताती है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, इसके लिए उसे हेल जाकर गेट कीपर का दिल लाना होगा। साथ ही ये भी बताती है कि वो जगह बहुत ही ठंडी होने की वजह से वहाँ तुम्हारी एक्स काम नहीं आएगी, कोई आग वाली चीज लेकर जानी होगी, जिससे फिर क्रेटोस अपने पास्ट को याद करते हुए घर पहुँचता है और फिर से अपनी ब्लेड ऑफ केओस को उठाता है और ऐसा करते फिर से उसे एथिना के विजन टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद क्रेटोस हेल कीपर को मार उसका दिल ले लेता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर ज्यूस दिखता है, जिससे मिमिर भी अब क्रेटोस के पास्ट के बारे में जानता है कि वो एक घोस्ट ऑफ स्पार्टा है। बट क्रेटोस मिमिर को ये बात एट्रेस को बताने से मना करता है और दिल ले फ्रेया के पास पहुँचता है, जिसकी मदद से फ्रेया एट्रेस को फिर से ठीक कर देती है। अब एट्रेस के साथ ऐसा फिर से ना हो, इसलिए क्रेटोस फाइनली एट्रेस को बता देता है कि वो दोनों गॉड हैं। एट्रेस को जैसे ही ये पता चलता है वैसे ही उसका नेचर बदल जाता है, वो सिंदरी पर गुस्सा करता है बिना वजह ही, साथ ही मोडी को भी मार देता है जो कि पहले से ही बहुत ही घायल रहता है, जिससे क्रेटोस एट्रेस को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने गॉडहुड को सर पर ना चढ़ाए, बट एट्रेस नहीं समझता। इस सब के बाद वो योतनाइम का गेट ओपन करने के लिए जाते हैं, बट बोल्डर के अटैक करने से वो लास्ट ब्रिज टूट जाता है, जिससे गुस्सा हो एट्रेस क्रेटोस पर ही तीर चला देता है और बोल्डर पर अटैक करता है, बट बोल्डर एट्रेस को पकड़ ओडिन को देने के लिए एसगार्ड जाने की सोचता है, पर एंड टाइम पर क्रेटोस रास्ता बदल लेता है, जिससे सभी हेलाई में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बोल्डर फ्रेया का ही बेटा है और फ्रेया ने ही बोल्डर पर ये जादू किया था, जिससे बोल्डर को कुछ भी महसूस नहीं होता है, बट बोल्डर उससे पूछे बिना ऐसा करने से फ्रेया से नफरत करने लगता है। आगे जाकर उन्हें ओडिन के हिडन चेम्बर में टियर का पैनल मिलता है, जिसकी मदद से मिमिर को योतनाइम जाने का एक और रास्ता मिलता है, पर उसके लिए उन्हें मिमिर की एक और मैजिकल आंख चाहिए थी, जो कि थोर के स्टेचू में थी और जिसे बर्ड सरपेंट ने शुरू में ही निकल लिया था, जिसकी वजह से फिर वो दोनों बर्ड सरपेंट के अंदर जा उस मैजिकल आंख को लेते मिमिर को दे देते हैं। इसी टाइम बोल्डर बर्ड सरपेंट पर अटैक करता है, जिससे बर्ड सरपेंट दोनों को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है, तभी वहां पर फ्रेया भी पहुंच जाती है और फ्रेया क्रेटोस एंड बोल्डर को आपस में लड़ने से रोकने की कोशिश करती है। बोल्डर क्रेटोस को मारने आगे बढ़ता है, पर बीच में एट्रेस आ जाता है और जो उसने मिसलेटो तीर का एक टुकड़ा अपने धनुष को सही रखने के लिए लगाया था वो बोल्डर के हाथ में लग जाता है, जिससे फ्रेया का जादू टूट जाता है, क्योंकि फ्रेया ने सभी चीजों से बोल्डर को न मारने का वादा करवाया था सिवाय मिसलेटो को छोड़कर, क्योंकि मिसलेटो पेड़ ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्रेटोस बोल्डर को समझाता है कि बदला लेने से या किसी को मारने के बाद भी शांति नहीं मिलती है,
पर फिर भी बोल्डर अपनी माँ को मारने लगता है, जिससे एटस के कहने पर क्रेटोस फ्रेया की मदद करते बोल्डर को मार देता है। क्रेटोस के ऐसा करने से फ्रेया उन दोनों से काफी गुस्सा होती है। वो क्रेटोस को धमकी देती है कि वो उसका राज एटस को बता देगी, जिससे खुद क्रेटोस ही अपना पास्ट एटस को बता देता है कि वो स्पार्टा से है और उसने अपने ही पिता को मारा है। एटस कहता है कि क्या गॉड्स ऐसा ही करते हैं, अपनों को मारते हैं। क्रेटोस एटस को समझाता है कि नहीं, हम ये चेंज करेंगे, हम और बेस्ट बनेंगे और बेहतर बनेंगे। वहीं फ्रेया बोल्डर की डेड शरीर को ले वहां से गुस्से में चली जाती है और इसके बाद दोनों मिमिर की दोनों मैजिकल आंखों की मदद से योथनाइम का एक और गेट खोल वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जायंट्स फ्यूचर देख सकते थे, क्योंकि यहां पर जो भी उन्होंने किया है अभी भी वो सभी पहले से ही बना हुआ था। साथ ही क्रेटोस को यहाँ पर अपनी डेथ का भी पता चलता है, और ये भी कि फे एक जायंट थी, इसका मतलब कि एटस भी एक हाफ जायंट है। और वो समझ जाते हैं कि फे उन्हें यहाँ पर इसलिए लाई ताकि वो जायंट्स के बारे में जान सके। देन दोनों फे की राख को फैलाते हैं। एटस क्रेटोस को बताता है कि वहाँ बॉल पर उसका नाम लोकी लिखा था, जिससे क्रेटोस बताता है कि उसकी माँ उसका नाम रखना चाहती थी, पर मैंने तुम्हारा नाम एटस रखा। और इसके बाद दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें ब्रॉक एंड सिंधी द्वारा पता चलता है कि बोल्डर के मरने के बाद अब फिम्बल विंटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसे होने में अभी भी 100 साल बचे थे। लेकिन क्रेटोस ने कुछ तो चेंज किया है। अब दोनों घर आराम से सोते हैं, तभी एटस को एक ड्रीम आता है जिसमें थोर उनके दरवाजे पर खड़ा था। और इसके साथ ये स्टोरी अभी के लिए यहीं पर ही खत्म होती है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में ही पता चलेगा, जो कि एक दो दिन में लॉन्च होने ही वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ देना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी मिस ना कर पाओ। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।